गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम सबसे देखिए स्टार्ट सेकेंड क्लास ऑफ द क्लास सिक्स साइंस। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने पढ़ा था कि चैप्टर वन एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज फूड, व्हाट इज फूड, इसके बारे में डिस्कस किया था एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम और ये फूड्स आते कहाँ से हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि फूड क्या है, व्हाट इज फूड, फूड क्या है एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम और ये फूड्स कहाँ से मिलते हैं हमें, इनके बारे में पढ़ा था कुछ बेसिक चीज़ें और इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स के पढ़ा था कि किसी भी फूड को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी को हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे अगर हमें वेजिटेबल करी बनाना है तो वेजिटेबल करी के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसमें ऑयल की ज़रूरत होगी, वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट होगी एंड सॉल्ट की ज़रूरत होगी। तो जितनी भी चीज़ें उसमें मिलाई जा रही हैं, मिक्स की जा रही हैं, ऑल दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था और कुछ काफ़ी बेसिक चीज़ों को पढ़ा था। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास इसको देख लीजिएगा। और इससे पहले आप एक चीज़ बता दें कि जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ाई जा रही हैं उस पर आप एक नोट्स बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए और डेली का डेली इन चीज़ों को एक कॉपी में रिकॉर्ड करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे भी हम लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग आप नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसको एक कॉपी बना लीजिए आज ही और उनके सारे के सारे नोट्स, जितना भी मटेरियल दिया जा रहा है उन सबको डेली डेली उसको नोट करते जाइए और इसको हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, नोट्स बना लीजिएगा जरूर से। तो फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये फूड आते कहाँ से, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस क्लास को लेकर के। तो फूड मटेरियल एंड सोर्स, हम लोगों ने पढ़ा था फूड्स के बारे में कि फूड का जो मेन सोर्स है वो दो ही सोर्स है, एक या तो प्लांट्स है दूसरा एनिमल है, या तो फिर फूड प्लांट से मिलता है या दूसरा एनिमल से मिलता है, तो उसके बारे में देखा था। तो एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी चीज़ हो, हम फूड पे डायरेक्टली डिपेंड है किस पे, प्लांट से ही। जैसे एनिमल्स का चीज़ें अगर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क यूज़ करते हैं तो मिल्क डिपेंड है ग्रास पे, ठीक है, अब प्लांट्स पे लीव्स पे उसको खाते हैं और वो फिर देन मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी कि एनिमल जो मिल्क दे रहा है वो भी डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, ठीक है। तो दो तरह के सोर्सेस हमारे पास है, प्लांट्स एंड एनिमल, बट वी आर टोट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंड किस पे कर रहे हैं, प्लांट्स पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फूड मटेरियल एंड सोर्स, कि हमें जो फूड मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं और वो सोर्स मीन्स वो कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। फूड मटेरियल यानी कौन कौन से फूड, ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं, जो हमारा फूड है, हमारा खाना है, और ये मटेरियल्स हमें मिलते कहाँ से, जो कहाँ से मिलता है दैट इज सोर्सेस, वो सोर्स क्या चीज़ है जहाँ से हमें फूड मिलता है, इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सोर्सेस, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ द फूड आर टू मेन सोर्सेस है, जैसा अभी डिस्कस किया था, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, दो ही फूड के सोर्सेज हैं। जैसे प्लांट्स मेन सोर्स ऑफ फूड आर क्या है, प्लांट्स हैं। तो प्लांट कहते हैं कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट हम लोग एज अ फूड लेते हैं, तो प्लांट्स के मैक्सिमम पार्ट को हम लोग ईट करते हैं, खाते हैं और वो हमारे फूड के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। फूड में हम लोग क्या क्या लेते हैं, जैसे प्लांट्स का हम लोग लीफ, फ्लावर, एनिमल, फ्रूट्स सभी चीज़ों को लेते हैं। तो कौन कौन सा पार्ट है, सबसे पहले हम लेते हैं कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। तो प्लांट्स में जो चीज़ें हम लोग खाते हैं वो बीट खाते हैं, वीट, गेहूँ, राइस जिसको चावल कहते हैं, पल्सेस यानी दाल को भी हम लोग यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ और फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग प्लांट से मिलता है हमको, ठीक है। प्लांट से हम लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं, बीट, गेहूँ जो उसको कहते हैं, राइस जिससे चपाती बनती है, राइस यानी कि चावल को खाते हैं, पल्सेस दाल को खाते हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट्स के पार्ट को। एंड दूसरा सोर्स आपका जो रहता है वो था एनिमल, एक कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो प्लांट्स के अलावा जो हम लोग फूड से मिलता है उसको हम लोग मेजर पार्ट में यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एनिमल प्रोडक्ट है मिल्क, मिल्क एक ऐसी चीज़ है जो सभी मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं
और ये बहुत ही पॉपुलर एनिमल सोर्स है, एनिमल सोर्स ऑफ द फूड मिल्क, एंड घी इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द मिल्क। मिल्क का मिल्क से ही घी बनाया जाता है, बटर बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, बहुत सी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो घी मिल्क ये हो गया आपका जो मिल्क से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। और उसके बाद आपका था एग, एग अंडा, इसको भी फूड के हम लोग खाते हैं फूड के फॉर्म में, ठीक है, तो जो कि एनिमल हेल्थ से मिलता है, तो इसको भी बोलेंगे एनिमल सोर्स ऑफ फूड। एंड हनी, जैसे शहद जिसको कहते हैं हनी, शहद, शहद भी हम लोग को एनिमल से ही मिलता है। फिश, फिशेज भी क्या है, एक तरह का एनिमल है, वाटर एनिमल, एक्वेटिक एनिमल जिसको कहा जाता है, पानी से भी पाया जाने वाला, तो इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। हनी भी, एग भी, एंड बहुत सारे मीट्स को भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। तो फीड के दो सोर्सेज हुए, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल। तो प्लांट्स के मैक्सिमम चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं और एनिमल्स से एज अ इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारे क्या है, हमारे फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, ठीक है, फूड मटेरियल है। और ये कहाँ से मिलते हैं, दिस इज अ सोर्स, प्लांट एंड एनिमल इज अ सोर्स। और ये सारे के सारे जो ब्रैकेट में लिखे हुए क्या है, फूड आइटम, ठीक है, फूड मटेरियल है। अब हम लोग देखते हैं कि ये फूड मटेरियल जो हमें मिलते हैं, ये प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। तो हम लोग वन बाई वन दोनों का डिस्कस करते हैं कि कहाँ प्लांट्स की कौन सी चीज़ें हम लोग खाते हैं और एनिमल्स की कौन सी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं उसको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लांट्स पार्ट एज अ फूड, प्लांट्स पार्ट एज अ फूड। तो प्लांट्स की मैक्सिमम चीज़ों को हम लोगों ने बताया कि खाते हैं, जैसे हम लोग प्लांट्स के रूट्स को भी खाते हैं, स्टेम्स को भी खाते हैं, है ना, फ्लावर्स को, एनिमल सॉरी फ्लावर्स को भी यूज़ करते हैं, एंड फ्रूट्स, सीड, लीव्स, एवरी थिंग वी ईट, मतलब एवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट्स वी ईट। तो प्लांट्स के जितने भी पार्ट होते हैं, चाहे वो पत्तियाँ हो, फ्लावर हो, फ्रूट्स हो, तना जिसको स्टेम कहते हैं, रूट्स यानी कि जड़, सभी चीज़ों को खाया जाता है। तो आइए हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं, हम लोग ये भी नहीं पता है मैक्सिमम लोगों को कि रूट्स कौन से हैं और स्टेम्स कौन से हैं। फ्लावर तो कन्फर्म होता है नियर अबाउट, पर इन दोनों में दिक्कत होगी, रूट्स क्या है एंड स्टेम्स क्या है, ओके। तो रूट्स जिसको हम लोग जड़ कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, रूट्स, रूट्स में आपका कैरेट, कैरेट जिसको गाजर कहा जाता है, कैरेट्स, रेडिस यानी कि मूली, स्वीट पोटैटो जिसको आप लोग बोलते हैं स्वीट पोटैटो, ठीक है, जो मीठी आलू जिसको बोला जाता है, उसको शकरकंद, जिसको बोलते हैं शकरकंद बोला जाता है इसको। तो कैरेट, रेडिस, स्वीट पोटैटो, बीट, ये सारी चीज़ें क्या है, रूट्स है जिसको हम लोग फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज स्टेम, स्टेम यानी कि तना, कौन सा तना यूज़ करें, जड़ के ऊपर का जो भाग होता है, जो पार्ट होता है जड़ के ऊपर का, रूट के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है स्टेम, ओके, उसको स्टेम बोला जाता है। तो स्टेम में आपका ओनियन यानी कि जो प्याज होता है, पोटैटो यानी कि आलू, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस, पोटैटो आपका स्टेम है और स्वीट पोटैटो इज अ रूट, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, स्वीट पोटैटो इज अ रूट एंड स्टेम इज अ पोटैटो, ये सारी चीज़ें आप लोग राइट करते हैं, चाहिए कॉपी में लिखते भी चाहिएगा अब, और बाकी हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसको लिख लीजिएगा, ओके, और लर्न भी करते जाइएगा, सिर्फ लिखना ही काम नहीं है। नेक्स्ट जिंजर, गार्लिक एंड टर्मरिक, ये सारे के सारे आपके क्या है, स्टेम है। तो इसको मीनिंग आप सारे के सारे बता दिया है, देख लीजिएगा, जिंजर जिसको आप अदरक बोलते हैं, अदरक, गार्लिक यानी कि लहसुन, टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये सारी की चीज़ें क्या है, स्टेम। तो ये दोनों चीज़ें तो लोग ईट करते ही खाते ही आपको जानते हैं। फ्लावर्स को भी यूज़ किया जाता है, फ्लावर्स आपने थोड़ा सा धीरे, एक आपका है बनाना फ्लावर, बनाना यानी कि केले के जो नीचे जो रेड कलर का होता है उसको भी बहुत लोग एज अ फ्रूट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। सनफ्लावर का भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड, क्लियर। तो सनफ्लावर एंड बनाना फ्लावर, सभी आपको कॉल नहीं होगा, बनाना फ्लावर, इन चीज़ों को भी हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रूट्स में तो आप जानते हैं, फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको आप लोग जानते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, क्रैप्स, वाटरमेलन, एवरीथिंग, मैनी टाइप ऑफ फल जिसको बनते हैं फ्रूट्स, उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड नाउ सीड्स, सीड्स को भी हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं, सीड्स तो मेजर पार्ट ऑफ द फूड है हमारा, जैसे वीट, राइस, पल्सेस,
बीज ये सारे क्या है, आपके सीड जिसको हम लोग बीज, जो बहुत सारे बीजे होते हैं हम लोग खाते हैं उसको, तो वीट राइस एंड पल्स ये चीज़ें खा रहे हैं। और लास्ट में आपको आ जाता है लीव्स, यानी कि पत्तियों को भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्पाइनेज एंड कॉलीफ्लावर, स्पाइनेज यानी आपके जिसको पालक कहते हैं उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, कॉलीफ्लावर यानी कि पत्ते की जो वो भी होती है गोल कलर में, उस गोल साइज में, उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि एनिमल्स एंड फ्लावर एंड लीव्स दोनों के ही फूड के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, और जितने भी प्लांट्स के जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट को हम लोग एज अ फूड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो फूड आता है वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि फूड हमारा कहाँ से आता है। तो दो ही तरीके से आता है, एक एनिमल से आता है, दूसरा प्लांट्स के थ्रू आता है। तो प्लांट्स के थ्रू हमने देखा कि उसके सारे रूट स्टेम फ्लावर सीड्स एंड लीव्स आज सभी पार्ट्स को हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और एनिमल्स के भी काफ़ी पार्ट्स को यूज़ करते हैं हम लोग। तो एनिमल्स के पार्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हनी कैसे मिलता है, मिल्क कैसे करता है, एक क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मिल्क तो आप जानते ही हैं कैसे मिलता है ना, घी एग हनी फिश आपको जनरली आइडिया है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझा देंगे कि ये कैसे होते हैं, शहद कैसे बनता है, बीज जो इसकी बनती होती है मधुमक्खियाँ वो कैसे बनाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और इसका टॉपिक आता है, स्प्राउट्स के बारे में डिस्कस कर लें, इसको आप लोग स्क्रीन शॉट लेके इसको भी पढ़ लीजिएगा, जो नोट्स हम लोग भेजेंगे उसको भी आप लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो वन बाई वन जितना भी इसको डिस्कस किया जा रहा है, इसको कल पे बट थोड़ी कि कल से स्टार्ट करेंगे स्टडी। आगे इस चीज़ों को बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत टफ नहीं है, इसको इजिली आप कर सकते हो, तो इसको आप पढ़ डालिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्प्राउट। स्प्राउट्स, बट स्प्राउट्स क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी चना खाया हो भिगो करके और वेट करके पानी में डाल के दूसरे दिन दिया, तो उसमें छोटे छोटे रूट्स निकल आते हैं, ठीक है। जो चना खाया होगा तो उसमें रूट्स निकल आते हैं, तो इसी जो ऐसे रूट्स जिसको छोटे छोटे रूट निकल आते हैं, तो उस रूट्स को हम लोग कहते हैं, उस रूट्स को कहते हैं हम लोग स्प्राउट्स। ओके, उसको क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स होगा वो व्हेन सीड बिकम टू जर्मिनेट, when seeds यानी कि जो भी बीज होगा बिगिन टू ग्रो, ग्रो या जर्मिनेट भी बोला जाता है इसको, जर्मिनेट यानी कि जब कोई सीड से रूट्स निकलने लगता है, यानी कि जमने लगता है, जर्मिनेट होने लगता है, ग्रो करने लगता है, उसमें रूट्स निकलने लगते हैं, तो वह सीड्स बिगिन टू ग्रो यानी कि जब सीड्स निकलने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, उसमें जड़ निकल जाता है, पौधे के फॉर्म में बनने की कोशिश करते हैं या जर्मिनेट करते हैं, यानी कि नीचे वो जमने लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्राउट्स, ठीक है। अगर सीड्स बिगिन टू ग्रो आर जर्मिनेट बाई डेवलपिंग टीनी रूट्स, पर टीनी रूट्स निकल आते हैं, उसी को बोला जाता है जर्मिनेशन। ओके, रूट्स दे कॉल्ड स्प्राउट्स, इस तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं स्प्राउट्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्प्राउट्स व्हेन सीड बिगिन टू ग्रो आर जर्मिनेट बाय डेवलपिंग द टीनी रूट्स दे कॉल्ड स्प्राउट्स। तो टीनी रूट्स जो हम लोग क्या बोलते हैं स्प्राउट्स। इसका जो एग्जाम्पल आता है जनरली आपका देखा होगा चना, जिसको बोलते हैं चना, आप लोगों ने देखा होगा चना यूज किया जाता है, और मूंग की दाल में भी इस तरह का ही कंसेप्ट आता है, मूंग में भी ऐसा ही आता है। ओके, अंकुरित चना जिसको बोलते हैं, अंकुरित चना में क्या होता है कि उसमें छोटे
छोटे रूट्स निकल आते हैं, तो इसी छोटे छोटे रूट निकलने के प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्प्राउट्स। जब किसी भी सीड्स में एग्जाम्पल चनाएं मूंग में जो छोटे छोटे रूट्स निकल आते हैं या जर्मिनेट होते हैं, जम जाते हैं जिसको बोलते हैं आपको, उसी को बोलते हैं स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स निकलने के फायदे क्या, आप इसको माना जाता है कि जो अंकुरित चना है यानी कि जर्मिनेटेड चना है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, काफ़ी उसमें ज़्यादा विटामिन आ जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से विटामिन आ जाते हैं, विटामिन ए एंड बी एंड सी, ये बहुत बड़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है। तो स्प्राउट्स कंटेन द मोर विटामिन ए बी एंड सी, तीन विटामिन इसमें आ जाते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, ए बी एंड सी, थ्री विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये तीन तरह के विटामिन इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपका स्प्राउटेड ग्रेन है, स्प्राउटेड चना है या मूंग है, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट फूड हो जाता है, बहुत यूजफुल फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं जर्मिनेटेड फूड्स को यानी कि अंकुरित चने को हमें खाना चाहिए, और क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी की बहुत ज़्यादा होता है, और विटामिन ए हमारे आँखों के लिए बेनिफिशियल है, हमारे आँखों के लिए फायदेमंद होते हैं, हमारे स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं। विटामिन सी आपकी खट्टी चीज़ों से मिलती है, वो भी इसमें चीज़ें आता है। विटामिन डी, विटामिन की के टॉपिक को हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि विटामिन, व्हाट इज विटामिन ए बी एंड सी, व्हाट इज यूज, इसका यूज़ क्या है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अभी बीच में एक दम वेरी न्यूट्रिएंट फूड जो कि बहुत ही फायदेमंद हो जाता है, इसलिए ज़्यादा उसके चने को हमको यूज़ करना चाहिए मॉर्निंग में। भैया बनता कैसे, इसको डिस्कस कर लें थोड़ा सा। तो अगर इसको जिस तरह का स्प्राउटेड सीड बनाने का जो तरीका है, उसको क्या है कि नाइट में फुल डे वन नाइट के लिए इसको पानी में भिगो के डुबो के रख देते हैं, पानी में पूरी रात इसको डुबा रहने देंगे, सुबह इसको यानी कि 8 to 10 hours बाद, 12 hours बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, पानी से बाहर निकाल लेंगे, पानी को हटा दिया जाएगा, और उस जो सीड्स बचेगा, जो चना बचेगा या मूंग जो बचेगा, उसको कपड़े में यानी कि वेट कपड़े में, भीगे कपड़े में उसको लपेट देंगे, रख देंगे, उसको रैप कर देंगे इन वेट क्लोथ में, वेट क्लोथ में इसको रैप कर देंगे 10 hours के लिए, और उस ये देखते रहेंगे कि जो क्लोथ्स है ये सूखे ना, ये कंटिन्यू उसके हम लोग जैसे ही सूखने लगेगा उसको पानी उस पर डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि वो आपका जो क्लोथ्स वो कंटिन्यू वेट रहे, कंटिन्यू वेट रहेंगे। तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे तो उसमें इस तरह का जर्मिनेशन छोटे तीन ही रूट्स उसमें निकल आएंगे। तो ये तरीका है कि रात में उसको पानी में भिगो देते हैं, ठीक है, सुबह के टाइम उसको भीगे कपड़े में, भीगे क्लोथ्स में उसको रख देंगे 10 to 15 hours के लिए। तो उसके बाद जब हम लोग उसको ओपन करेंगे तो देखेंगे तीन ही रूट्स आ जाएंगे। इसको इस तरह से हम लोग जर्मिनेट कर सकते हैं स्प्राउट्स को। ओके, नाउ वी डिस्कस द एनिमल एज अ फूड। तो एनिमल को हम लोग कैसे फूड की तरह यूज़ करते हैं, तो हम लोग देखा था अभी मिल्क, हनी, एग, फिश, चिकन, ऑल दीज आर यूज एज अ फूड विच वी फाइंड फ्रॉम द एनिमल। ये सारी चीज़ें हम लोग एनिमल से पाते हैं। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काउ से मिलता है, बफेलोस से मिलता है, इसके मिल्क हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड के फॉर्म में, काउ है, बफेलोस। हनी हम लोग को कहाँ से मिलता है, हनी बी होते हैं, मधुमक्खियाँ जिसको कहते हैं, वहाँ से हम लोग को हनी मिल जाता है। ठीक है, तो हनी कैसे मिलता है, एग आपका हैन से मिल जाता है, फिश वाटर में रहता है, चिकन यानी कि जिसको मुर्गा कहते हैं यानी कि चिकन भी यूज़ किया जाता है। तो हनी कहाँ से मिलता है, उसके बारे में तो मिल्क आप जानते हैं, एग, फिश, किचन आप जानते हैं, हनी के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। हनी भी मधुमक्खियाँ जो होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो जाकर किसी के पौधों के फ्लावर्स के ऊपर बैठती है, वहाँ से उसके जूस को सिप करती है, उसको लेती है वहाँ से, और फिर जाके अपने जहाँ पर उनका घर होता है, उसको छत्ता कहते हैं, वहाँ पर जाके वो लोग अपने शहद को बनाते हैं। ठीक है, तो उस बीज जो आपका स्वीट वेस्ट को यानी कि जो फ्लावर्स में बैठ के वो अपना निकालती है, उसको कहा जाता है नेक्टर। ठीक है, नेक्टर स्वीट जूस कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह कि हनी बी कलेक्ट नेक्टर्स, नेक्टर यानी कि फ्लावर्स से जो उसका फ्लावर्स का जो जूस निकालती है, यानी कि स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर, फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इन टू द हनी, और उस फ्लावर के जो जूस को कन्वर्ट कर देते हैं इसमें हनी में, यानी फ्लावर्स के जूस को हनी में यानी कि शहद में बदल देते हैं। तो इस फ्लावर के जूस को हम लोग नेक्टर्स बोलते हैं। इसको बनाता कौन है, हनी बी यानी कि मधुमक्खी।
ओके, तो आज की टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फूड कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्लासेस को मिस नहीं करिएगा, रेगुलर क्लासेस करते रहिए और इन सभी चीज़ों पे कॉपी पे नोट्स नोट बना के इसको रखते जाइए और इसको लर्न करते जाइए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।